नमस्कार जैन साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। कई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करता हूं कि मारा सगड़ा साथी बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। मेरे बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर कोई प्राइवेट जॉब बता दो, तो साथियों आपके लिए बड़ी न्यू जॉब ओपनिंग में लेकर आया हूं। ये भर्ती सुरक्षा कर्मी की यानी सिक्योरिटी गार्ड की सीधी वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकता है। कोई नेपाली है जिसकी हाइट ठीक ठाक है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यदि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां से मध्य प्रदेश, जहां से अक्सर मेरे पास कॉल आते रहते हैं, आप यदि किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं या जा सकते हैं। साथियों इसमें कोई फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सुरक्षाकर्मी जो सिक्योरिटी की सबसे बड़ी एजेंसी है उसमें वैकेंसी निकल कर आई है। इसके अंदर भर्ती होने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, ध्यान रख लेना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं 10th क्लास पास नहीं हूं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 8वीं पास हूं, तो ध्यान रख लेना 10वीं कक्षा पास जरूरी है। सबसे बड़ी बात, इसमें हाइट आपकी 5.5 फुट से ज्यादा यानी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कम से थोड़ी बहुत मान लो 1-2 इंच का चल जाता है, 168 सेंटीमीटर तक इसमें चल जाएगा, लेकिन 169 सेंटीमीटर से कम नहीं चलेगी, तो इतनी तो हाइट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं साथियों, आपकी कम से कम जो उम्र एज है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 से कम वाले अप्लाई नहीं करेंगे और अधिकतम 40 वर्ष तक एज आपकी चलेगी। जिन लोगों ने पहले सिक्योरिटी की नौकरी की है, सुरक्षा कर्मी की, वहां की सैलरी स्लिप या आईडी वगैरह है, तो 40 से प्लस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी? जॉब लोकेशन आपकी गुजरात के अहमदाबाद में, दमन में, वापी में, गांधीधाम में, भुज में रहेगी। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर बीकेटी कंपनी है उसमें क्या वैकेंसी है, तो अभी चल रही है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती होना है, जहां पर आपका फिजिकल वगैरह सब नॉर्मल होगा, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी में भेजा जाता है। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर यदि मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा किराया भाड़ा ऐसे ही लग जाएगा। तो साथियों नौकरी मुझे नहीं करना है, नौकरी आपको करना है। यदि आप इंटरव्यू में एक जगह पास नहीं होते हैं तो जो ये सुरक्षा एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, इसकी बहुत सारी कंपनियों में इसका टेंडर रहता है जहां पर ये ड्यूटी लगवाती है, तो आपका इंटरव्यू दूसरी कंपनी में करवा दिया जाएगा। आप वापिस ट्रेनिंग सेंटर में बात करें कि मैं यहाँ इंटरव्यू में फेल हो गया हूं, मुझे दूसरी जगह भेजें, तो आपको दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। बेसिक इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आप सोचते होंगे पता नहीं क्या होगा। इंटरव्यू में आपके खुद के बारे में पूछा जाएगा, अभी आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने क्या किया है, बेसिक चीजें पूछी जाएगी। सुरक्षा कर्मी का क्या काम है, सिक्योरिटी गार्ड का, चेकिंग वेकिंग का काम रहता है, महिला की महिला चेकिंग करती है, पुरुष की पुरुष चेकिंग करता है, और कोई ज्यादा बड़ा खास कुछ नहीं है, चिंतित ना हो। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा, कोई आरएस का यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें भी फर्जीवाड़ा होता है, आपको पता है आजकल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंटरव्यू में कुछ ज्यादा नहीं होता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अच्छे से आपको बोलना वोलना आना चाहिए, बाकी सल्यूट वगैरह मारना, सावधान विश्राम करना आना चाहिए, और कायदा कुछ नहीं, वो आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। यहां से आपका डाउट पूरा हो गया होगा। अब जो भी साथी इसमें जाना चाहते हैं वो अप्लाई कैसे करें, मैं स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, 6375-80-47-05, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें कि सर मुझे सुरक्षा कर्मी में भर्ती होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, 10th क्लास की मार्कशीट, हो सके उसकी 2 फोटोकॉपी करवा के ले जाना, ओरिजिनल कहीं गुम हो जाएगा वहां डॉक्यूमेंट तो आप खुद जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूं ना कंपनी है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट की सामान की खुद सेफ्टी करें, कोई जिम्मेदार नहीं है। 10वीं क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यदि एक भी नहीं है तो बनवा लेना। 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें आपका अकाउंट में सीधा लिमिटेड कंपनी है, हाँ 10 साल के बाद इसमें पेंशन भी मिलती है, परमानेंट जॉब है, ठीक है लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ये ध्यान रखना, कुछ लोग पूछते। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 10वीं की मार्कशीट, इसके अलावा पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको बनवा लेना ऑनलाइन इमित्र की दुकान पर जाकर, और सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे होने चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट कम है तो नहीं चलेगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, जिसके कंप्लीट है उसको क्या करना है,
जो अपना ऐप है प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर ऐप डाउनलोड करना है, स्टडी एग्जाम एकेडमी, ये ऐप आ जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा जॉब का, जॉब के ऑप्शन में जाकर आपको अप्लाई कर देना है फॉर्म। फॉर्म अप्लाई करते ही आपके पास में हमारी टीम के द्वारा 5 से 7 दिन में या 3 दिन में, 24 घंटे में जब भी टाइम होगा आपको कॉल कर दिया जाएगा और आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। जो भी साथी इस भर्ती में जाना चाहते जा सकते। अब सबसे बड़ा डाउट है कि सर वहां पर रहने की और खाने की सुविधा मिलती है क्या? रहने की सुविधा बिल्कुल फ्री है कंपनी की तरफ से, खाने आपको खुद को ही मैनेज करना है, या तो आप खुद बना सकते हैं, नहीं बनाते हो तो कंपनी में कैंटीन रहता है, उस कैंटीन में एक टाइम का खाना 35 रुपए में मिलता है। कितने रुपए में? 35, यानी 35 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको खाने की सुविधा भी मिल जाती है, 2000 रुपए खाने के मान लो। सैलरी कम से कम 18,000 है, पीएफ अब सब काट के 1500-2000 रुपए पीएफ के अलग है, बाकी 18,000 इन हैंड हर महीने की 6 तारीख को आ जाएगी। ये कम से कम बता रहा हूं, यदि आपको अच्छी कंपनी में इंटरव्यू पास होता है 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 25,000 तक सैलरियां मिलती है अलग अलग कंपनियों में, बीकेटी जैसी कंपनियों में जहां भी वैकेंसी चल रही है, यदि आप इंटरव्यू पास करते हैं तो। अब आपको सारी डाउट क्लियर हो गया होगा। 12 घंटे ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी करना है तो वडोदरा में, वहां पर 8 घंटे की ड्यूटी मिल जाएगी, वहां पर सैलरी 14,500-15,000 रहेगी पीएफ सब काट के स्टार्टिंग में। यह सिक्योरिटी गार्ड की है, यदि आप आगे सुपरवाइजर बनते हैं तो 2-3,000 सैलरी ज्यादा मिलती है, एसओ बनते हैं, फील्ड ऑफिसर, यानी आगे भी ग्रोथ है, चांसेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आगे ग्रोथ नहीं है, गार्ड भी रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ड्राइवर है, तो वो आपके ऊपर है कि भाई आप वहां पर जाकर कितना नॉलेज लेते हैं, कितना आप सक्षम होते हैं या सक्सेस होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको कोई डाउट रह गया तो मुझे आप कमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।